अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2021 में 2021 में जब से सबसे पहले जब इसकी प्राइवेटाइजेशन की खबर आई थी, तभी हम लोगों ने बोल दिया था कि इसके लिए, इसको प्राइवेट ना करने के लिए, इसको सरकारी चलाने के लिए जहां तक जाना पड़े, जो करना पड़े वो हम करेंगे। उसके लिए आप लोग ये भी जानते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी बताया गया था कि हम लोगों ने इसके लिए 9 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। वो भूख हड़ताल भी सक्सेसफुल हुई थी। मनीष जोशी साहब खुद यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि वीडियो भी जो है हमारे पास उनका, वो भी मौजूद है कि हाँ, वो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये हॉस्पिटल प्राइवेट होगा तो सभी लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और अब इसको किस तरीके से सरकारी चलाया जाए इसके ऊपर हम काम करेंगे। और हमने 2 महीना इसके ऊपर काम भी किया। हमने मीटिंग्स के साथ हमने उनको बताया, उनको अपना प्रपोजल दिया कि हम क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं और कैसे मुमरा की पब्लिक के हित में, ये सारी चीजें उनके ऊपर डिस्कस की। अब हुआ ये कि जब हमारा फॉलोअप चल रहा था, अब अचानक से हम ये देखते हैं टीएमसी के वेबसाइट पर कि इन्होंने जो है वो टेंडर निकाला। अब जब बात चल रही है तो टेंडर क्यों निकाला, ये एक सवाल था। तो अब हमें ये समझ में आया कि भाई किसी भी तरीके से जो है वो अब सिर्फ भूख हड़ताल करना या किसी तरीके की लड़ाई करना, अब ये फजूल है। अब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता समझ में आता है जो है वो कोर्ट का, जो मैंने अपने पहले वीडियो में सबसे पहले कहा था कि अगर मुझे हाईकोर्ट तक जाना पड़े इस चीज के लिए तो मैं जाऊंगी, और आज मैंने उस चीज को कर दिया है। क्योंकि हमारे पास एक, हमने क्या किया है, जब हम लोग को जिस तरीके से जून के महीने में पता चला, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तभी हम लोगों ने जो है वो 10 दिन के अंदर जो ये पीआईएल पूरी रेडी की, 200 पेजेस की, ये पूरी पीआईएल रेडी की है, जिसका हम लोगों को पीआईएल का नंबर मिला है 108/23। इसमें नेशनल मैक्रोसिस थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स, ये सारे लोगों के को हमने रिस्पोंडेंट रखा है यहाँ पर। और हम लोगों इसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जितनी भी संस्थाओं के, जितने भी लोग हमारे भूख हड़ताल पे आए थे, 7000+ हम लोगों ने जो है वो एक फिगर यहाँ पर दिया है, उतने लोगों की सिग्नेचर के साथ हम लोगों ने, यहाँ तक कि मनीष जोशी साहब ने जो वीडियो में कहा था कि हाँ उनसे गलती हो गई, वो भी एज अ एविडेंस हमने हाईकोर्ट में सबमिट किया है कि ये, क्योंकि वीडियो भी एक एविडेंस होता है, तो उसको भी हम लोगों ने वहां पर सबमिट किया है कि जब ये बात हो चुकी थी कि ये हॉस्पिटल किस तरीके सरकारी चलाया जाए, उस पर काम होगा, उस पर बात होगी, तो आपने टेंडर क्यों निकाला इसके लिए। तो अब हमने इधर उधर बात करना फजूल समझा है और अभी हम लोगों ने डायरेक्ट हाईकोर्ट में फाइल किया है, जिसकी हम लोगों को एपीएल का नंबर भी हमें मिल चुका है। अब इसके ऊपर जो हमारी हियरिंग चालू है, अभी 25 तारीख को भी एक और, आप लोगों को जैसे पता है कि एक और जो है एडिशनल, उन्होंने हॉस्पिटल के मामले में पीआईएल जिसमें वो करप्शन का मैटर उन्होंने इन्वॉल्व किया है और साथ ही साथ ये हॉस्पिटल को चालू करने के लिए, तो उस पीआईएल में हमारा प्राइवेटाइजेशन का जो हमने दिया है मैटर किया है, तो 25 तारीख को आने वाली, तो इस चीज की जो है वो हियरिंग होने वाली है और इंशाल्लाह ये 25 तारीख को क्या फैसला आता है इसके ऊपर जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोई भी फैसला आता है, मुमरा वालों के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाएगा, और जब तक ये सरकारी नहीं होता है हम पर तो एक सुकून की सांस भी जो है वो हराम है। तो हमने ये सोच लिया है कि ये हॉस्पिटल जब तक हम लोगों ने सरकारी तौर पे नहीं चलाएगा, क्योंकि हमारा कंटिन्यू में भी हमारी बात चालू है, तो अभी मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से अब ये प्राइवेटाइजेशन में जाएगा, ये सरकारी ही चलेगा इंशाल्लाह। तो पीआईएल नंबर क्या है और ये कितने दिन का प्रोसीजर है? देखिए, इसका पीआईएल नंबर 108/2023 है, जो हम लोगों ने 16 जून को हम लोगों ने फाइल किया है इसको। और प्रोसीजर कैसे रहता है वो डेट हियरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी 25 तारीख को जो मैटर है उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन का मैटर, उस पर बात होने वाली है, प्लस अगस्त के महीने की हमको भी डेट मिली है, उसमें क्या हियरिंग होगी वो भी इंशाल्लाह आप लोग को अपडेट देंगे। लेकिन इस हॉस्पिटल को बचाने की जिम्मेदारी अब मुस्लिम लीग पार्टी, पीआईएल डालने के बाद क्या वो टेंडर को रोक दिया जाएगा कि कंटिन्यू उसको चल? नहीं, फिलहाल मेरे हिसाब से तो उसको रोक दिया, क्योंकि हम लोग ने इसको कंटिन्यू वो फॉलोअप किया है, हमने सर्विस भी कर चुके हैं, हमने ठाणे महानगर पालिका से अपनी टीम के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि पब्लिक के लिए जो हम लोगों ने पीएल दाखिल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट डे पे ही एक्सेप्ट हो गया, 2 दिन में उसकी डेट भी आ गई हम लोगों को, अब इसके ऊपर काम चल रहा है। और हम लोगों ने जिस तरीके से मुमरा के लोगों से वादा किया था कि ये हॉस्पिटल को बचाने की जिम्मेदारी अब मुस्लिम लीग पार्टी की है, और ये मुमरा के हित में ही रहेगा, इंशाल्लाह जनहित में ही हॉस्पिटल चालू होगा जल्द से जल्द। तो मनीष जोशी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कैशलेस की बात की थी कि यहाँ पे लोगों को सुविधा मिलेगी, कैशलेस हो जाएगा ये अस्पताल, उसको लेकर क्या कहोगे? कैशलेस के बारे में हमने उनसे डिस्कस किया था, इस बारे में आप बोल रहे हो नाम कैशलेस, लेके आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी को, कैशलेस के प्लस के पीछे क्या लूपहोल्स है वो नहीं बताया ना आपने,
वो तो हमने बताया इनको भूख हड़ताल पे 9 दिन रुक कर कि अगर कैशलेस होता, अगर मान लो किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हुआ है, आप बोल रहे हो कि ये स्कीम में हो जाएगा, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या मालूम कि आपका किडनी जो स्टोन है वो 16 mm का नहीं 24 mm का होगा, तब आपका ऑपरेशन होगा, जब तक वो उसके बड़े होने का इंतजार करो और दर्द को सहो और उसके बाद आपको ऑपरेशन होगा। तो ये लूपहोल्स कौन बताएगा? ये तो हम लोग ने उसको स्टडी किया, स्कीम की स्टडी किया और उन लोगों की जो भी रेट्स वगैरह उसकी स्टडी किया, तब लोगों को पता चला ना, वरना इतना बड़ा भूख हड़ताल हम लोगों ने किया क्यों किया था? और उसको अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उन लोगों ने समझा भी, टीएमसी ने, तभी मनीष जोशी ने आके यहाँ पर दिया था स्टेटमेंट कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई है, हम इसको अब सरकारी कैसे चलाएंगे, उस तरीके ये सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास, और ये रिकॉर्डिंग हमने कोर्ट में भी दी है कि ये लोगों ने यहाँ पर आके वादा करके गया था और उसके बाद भी जो है इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है और लोगों ने प्राइवेट टेंडर वापस निकालना है। तो अभी हम लोग को यही समझ में आया, क्योंकि मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है कि ये लोगों को अभी पता नहीं किस तरीके का कोई प्रेशर है कोई अभी, लेकिन इतना हमको मालूम है कि कोई MLA आ जाए, कोई MP आ जाए या खुद CM आ जाए, अब हम नहीं पीछे हटने वाला, अब हम जो है वो कोर्ट में ही लड़ाई करेंगे इस बारे में। कई बार ऐसे जो अभी के थाना कमिश्नर अभिजीत बांगर से मुलाकात की, इस इशू को लेकर क्या कहा? अभिजीत बांगर ने सिर्फ यही कहा कि देखो मुझे एक बात समझ में आई, अभिजीत बांगर और खुद CM और बाकी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ रीजन क्या बताया जाता है कि यहाँ के कॉर्पोरेटर लोग को जो पैसे मिलते हैं वो यहाँ पर काम दिखाई नहीं देता एग्जैक्ट, क्योंकि ये चीज बोली गई है बाकायदा TMC में कि जो पैसे पास हुए हैं, जो पैसे वो काम उमरा में दिखाई नहीं देता, इसलिए खुद जो है वो, और उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि जब पहले उसके बाद हम आपको आगे की चीज फाइल करेंगे, यानी खुद कमिश्नर और खुद CM भी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। अब ये भी हो सकता है कि भाई उनके वोटर बैंक्स नहीं होंगे, पॉलिटिकल इश्यू भी या पॉलिटिकल एम भी हो सकता है किसी का, बोलने लेकिन ये कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो हम इसके उसके भरोसे नहीं रह सकते, हमको अपनी ताकत खुद बननी है और हमने हमेशा लोगों को यही सिखाया कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने आप के लिए खुद स्टैंड लेना है। तो हम लोगों ने अब जो है वो कोर्ट में डायरेक्टली इसके ऊपर याचिका दाखिल कर दी।